हाय फ्रेंड्स, स्टेजेज ऑफ पीपीसी में हम रूटिंग पढ़ रहे थे, तो रूटिंग थोड़ी और जान लेते हैं। रूटिंग इज़ द सिलेक्शन ऑफ पाथ और रूट ओवर विच ईच पीस इज टू बी ट्रेवल इज बींग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट। मीन्स जहाँ से रॉ मटेरियल ले रहे हैं वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट तैयार करने तक कौन कौन से जो है रूट से प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है, वह रूट जो तैयार होता है वो रूटिंग कहलाता है। पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज टू डिटरमाइन मोस्ट फिजिबल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड इंश्योरिंग दैट दिस सीक्वेंस मस्ट बी फॉलोड। इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन तैयार करें जो बहुत ही आसान हो और उसमें जो है कम खर्च भी लगता हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पॉसिबल हो सके। रूट शीट है इसके बाद। रूट शीट जो है तैयार किया जाता है, जैसा कि फॉर्मेट दिखा रखा है, यह प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़ता है। मान लो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, बेरिंग तैयार कर रहे हैं, तो बेरिंग तैयार कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसमें ड्राइंग नंबर लिखेंगे, कोई ड्राइंग नंबर, ड्राइंग नंबर मान लो 103 है, ऐसे लिख देंगे। फिर असेंबली नंबर, यहाँ पे लॉट साइज, लॉट साइज में जो है कितना प्रोडक्ट है, टोटल प्रोडक्ट। फिर इशू किसके द्वारा किया गया, रूट शीट कौन बनाया है, प्रिपेयर कौन किया है, उसका नाम, इस तरह से तैयार करते हैं। डिस्क्रिप्शन में अब जैसे दूसरा कोई उदाहरण लिया गया, ड्रिलिंग का लिया गया है, तो ड्रिलिंग डिपार्टमेंट 101 नंबर, मशीन नंबर पहले पे होगा, टूल नंबर पहला नहीं दूसरा, मशीन की आरपीएम इतनी रखनी है, फीड इतनी रखनी है, सेट करने में इतना टाइम लगेगा, ओपन खोलने में इतना टाइम लगेगा, टोटल टाइम इतना लगेगा। इस तरह से टोटल टाइम और ऑपरेशन की जो है डिटेल लिखते हैं। इसी तरह दूसरा तीसरा भी लिखते हैं। इसी तरह ड्रिलिंग के बाद बोरिंग होगा या कोई और ऑपरेशन होगा उसके बारे में। ये था रूट शीट। इसके बाद है शेड्यूलिंग। ये जो है नेक्स्ट स्टेज है। शेड्यूलिंग इन्वॉल्व्स फिक्सिंग प्रायोरिटीज फॉर ईच जॉब एंड डिटरमाइनिंग द स्टार्टिंग टाइम एंड फिनिशिंग टाइम फॉर ईच ऑपरेशन। शेड्यूल, रूल शेड्यूल, शेड्यूल मीन्स होता है सारणी तैयार करना। तो कोई फिक्स प्रायोरिटी के हिसाब से प्रत्येक जॉब का स्टार्टिंग टाइम और फिनिशिंग टाइम दोनों रिकॉर्ड करते हैं, पता लगाते हैं कितना टाइम लग रहा है, उसका शेड्यूल बनाते हैं, इतना देर में ये ऑपरेशन हो जाएगा, इतने टाइम में ये ऑपरेशन हो जाएगा, इतना में ये प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, इस तरह से शेड्यूलिंग करते हैं। ए प्रोडक्शन शेड्यूल इज़ द टाइम टेबल। टाइम टेबल है एक टाइप का विच शोज अबाउट विच मशीन इज डूइंग व्हाट एंड व्हेन। कौन सी मशीन क्या करेगी, कौन सा ऑपरेशन होगा कौन सी मशीन पे और कब करेगी, ये चीज़ें जो है शेड्यूलिंग में डिफाइन की जाती है, फाइंड आउट की जाती है और उसके हिसाब से तैयार किया जाता है शेड्यूल चार्ट। तो पर्पस ऑफ शेड्यूलिंग, किस पर्पस से शेड्यूलिंग करते हैं, टू प्रिवेंट अनबैलेंस्ड यूज ऑफ टाइम। अनबैलेंस्ड ज़्यादा जो टाइम इस्तेमाल होता है उसको रोकने के लिए, टू यूटिलाइज लेबर सच दैट द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड विद इन एस्टेब्लिश्ड टाइम। तो जो वर्किंग आवर है, लेबर है वर्क करने वाला, उसका पूरा इस्तेमाल किया जाए
एक निश्चित टाइम के अंदर, निश्चित जितना टाइम फिक्स है उसके अंदर काम करवाया जाए उससे, टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट इन टाइम, टाइम पे प्रोडक्ट की डिलीवरी हो इसके लिए भी शेड्यूलिंग ज़रूरी है, एंड प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ मैन पावर। और ज़्यादा मैन पावर की जो कई बार ज़रूरत पड़ जाती है शेड्यूल सही नहीं होने के कारण, वो भी क्या हो जाएगा, इससे समाप्त हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से है शेड्यूलिंग। इसके बाद डिस्पैचिंग, डिस्पैच मैंने भेजना, तो डिस्पैचिंग इज रिलीजिंग ऑफ वर्क ऑर्डर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू स्टार्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज। डिस्पैचिंग में जैसे मटेरियल ऑर्डर होता है, मटेरियल इशू किया जाता है तो मटेरियल ऑर्डर लिखा जाता है, उसमें इतना क्वांटिटी चाहिए रॉ मटेरियल इतना, तो वो जो है एक ऑर्डर, वर्क ऑर्डर, उसी तरह वर्क ऑर्डर होता है। तो इस तरह से जो है डिस्पैचिंग में फाइनल प्रोडक्ट डिस्पैच तक, जैसे डिस्पैच करना इतना फिनिश प्रोडक्ट भेजना है तो उसके लिए डिस्पैच ऑर्डर भी तैयार होता है। तो डिस्पैचिंग इज रिलीजिंग ऑफ वर्क ऑर्डर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू स्टार्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ डिस्पैचिंग आर पर्पस ऑफ डिस, या डिस्पैचिंग का क्या पर्पस है, रिलीजिंग द शेड्यूल फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए शेड्यूल तैयार करना, इशूइंग वर्क ऑर्डर टू स्टार्ट द प्रोडक्शन वर्क, वर्क ऑर्डर तैयार करके देना। वर्क ऑर्डर में ये होता है कि जैसे आज का वर्क ऑर्डर है कि 50 पीस तैयार करना है ये प्रोडक्ट, तो वो जो है जो लाइन मैनेजर होता है वो पहले उसको देता है, जो भी सुपरवाइज़र है उसको, सुपरवाइज़र जो है जो ऑपरेटर है मशीन ऑपरेटर उसको बताता है वर्क ऑर्डर तैयार करके जो है एक देता है, कितना प्रोडक्ट चाहिए, हर घंटे इतना प्रोडक्ट निकालना है। इस तरह से वर्क ऑर्डर इशू किया जाता है जो सुपरवाइज़र होता है लाइन सुपरवाइज़र उसके द्वारा। फिर रिलीजिंग मटेरियल इशू ऑर्डर टू द स्टोर्स, फिर मटेरियल इशू ऑर्डर, मटेरियल जैसे ग्लव्स हो गया, सेफ्टी और मटेरियल हो गया ग्लव्स, फिर इंसर्ट हो गया, टूल टूल हो गया, ये सब चीज़ें जो है ऑर्डर, वर्क ऑर्डर या मटेरियल ऑर्डर पेपर आता है उस पर भर करके जो ऑपरेटर होता है वो आगे बढ़ाता है या सुपरवाइज़र करता है। सुपरवाइज़र जो है मटेरियल हैंडलिंग जो रहता है, स्टोर रहता है, स्टोर में जा करके वो ऑर्डर रिप्लेस करता है, जिससे फिर उसको जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो मिल जाती है। थैंक यू।